कह रही हूँ कि टीआरपी बहुत अच्छी आई अगर ये सीरियल्स में आया तो, क्योंकि इसकी जो ऑडियंस है ना वो इसको इतना अच्छे समझेगी। हम न्यूज़ देखने वाले लोग हम सोचते हैं कि हाँ ये न्यूज़ क्यों नहीं बता रहा, और जो एंटरटेनमेंट वाले होंगे वो सोचेंगे अरे वाह क्या कर रहा है आप। एक तो ना इसको फेमस भी पता किसने किया, समझदार लोगों ने, मीम्स बना बना के शेयर शेयर शेयर, यही तो वो चाहता है फेमस होना, तुम लोग कर रहे हो। मैं तो कहती हूँ ना इनकी मीम्स वीम शेयर करना छोड़ो, अपने आप ये लोग लाइन पे आ जाएंगे। हाँ और हाँ एक और है हमारा, उसको पता नहीं बी एड, मेरा 2013 में ग्रेजुएशन जब मैंने कंप्लीट कर रही थी उसी टाइम मैंने सोचा था कि जल्दी से जल्द जॉब लग के अपने परिवार का जिम्मेदारी उठाऊंगी, क्योंकि पापा का रिटायरमेंट बहुत ही नज़दीक था। पर मैंने ऐसा सोच के गलती कर दिया, बहुत बड़ा पाप कर दिया, जिसके कारण जो आज मैं बेरोजगार बैठी हूँ। तो हमारे सुनने वाला कोई नहीं है, न सिर्फ जो हमारे फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स हैं वो सिर्फ हमारे ताना देने के लिए रहते हैं, जब सपोर्ट मांगा जाता तो सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसा नहीं, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली के जो लड़कियां होती हैं ना, उनको बाहर जाकर पढ़ने का मौका मिलता है। बहुत ही कम ऐसे परिवार के लोग होते हैं जो अपनी बेटियों को बाहर जाने देते हैं। हमारे पास जो साधन है, जो मोबाइल है, ऑनलाइन जो क्लासेस चलती है, उससे मैंने रेमो सर का क्लास लेके अपने पढ़ाई कंप्लीट की। उन्हीं के पढ़ाए हुए चीज़ को अपने पढ़ाई पर जब इम्प्लीमेंट किया तो मुझे रिजल्ट भी मिलना शुरू हुआ। क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं वहाँ पर ना अच्छा क्लास है, ना अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, सारे के सारे इंडिया में ना कोई अच्छा पढ़ाई का इंस्टीट्यूट मिलता है जल्दी, सारे इंस्टीट्यूट दिल्ली मुंबई में है। और हम जैसे मिडिल क्लास के लोग के पास इतना पैसा नहीं होता कि अपने बच्चों को बाहर जाके पढ़ने का मौका दिया जाए, पर हमने पाप कर दिया और उसका पाप का अभी तक हम लोग को सज़ा मिल रहा है। ना सरकार सुनती है, ना रिजल्ट निकलता है, तो रिजल्ट ना निकलने पर फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि हमारा भी रिजल्ट नहीं निकला, मेरा भी रिजल्ट निकला। 2018 में मैंने पहला एग्ज़ाम दिया था जिसमें टीयर वन टीयर टू दोनों क्वालिफाई हो गया। मार्क्स कम होने के कारण मैंने टीयर थ्री का एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट के लिए आप लोग देख सकते हैं कि कितना दिन इंतज़ार करना पड़ता है, तब जाकर आप टीयर टू का एग्ज़ाम में आप बैठते हैं दूसरे एग्ज़ाम के लिए। मतलब एक दूसरे रिक्रूटमेंट के लिए आपको एक साल तक इंतज़ार करना पड़ता है, इतना स्लो प्रोसेस। ऊपर से हम लड़कियां हैं तो हम लड़कियों को हमेशा प्रेशर बनाया जाता है कि उम्र हो गई शादी कर लो, उम्र हो गई शादी कर लो।